अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं प्रोफेशन के हिसाब से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक एम हॉस्पिटल से है। बेसिकली आज की वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो मरकज़ उम्मीद के लिए वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगी मैं, और इसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ मरकज़ उम्मीद की टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जो है उनके स्टूडेंट्स के लिए कोई बात कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच टू होल टीम ऑफ मरकज़ उम्मीद। आज की वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि क्वारंटीन के अंदर जैसे कि हम सबका रूटीन जो है वो बहुत स्पॉइल हो चुका है, डेफिनेटली वी आर नॉट लिविंग अ सेम लाइफ। तो मरकज़ उम्मीद में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए मेरा जो पर्पज़ आज ये है कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस वो घर में कर सकते हैं, जितने भी डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें उनके पेरेंट्स उनको इंगेज कर सकते हैं ताकि वो अपनी पेंडेमिक का ये जो क्वारंटीन का टाइम है इसको वेल स्पेंड कर सकें। तो बेसिकली मैंने जितने भी मेडिकल कैंप्स मरकज़ उम्मीद में स्पेशली जितने भी मरकज़ उम्मीद में मैंने जितने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं तो उसमें मेरा और मरकज़ उम्मीद का वैसे ताल्लुक बहुत पुराना है एंड इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ अस। तो जितने भी मैंने मेडिकल कैंप्स लगाए उसमें मैंने देखा है कि तीन तरह के हमारे पास हमारे जो दोस्त हैं मरकज़ उम्मीद में जो पढ़ते हैं वो तीन तरह के उनको वो डिफरेंटली एबल हैं हमसे। एक तो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो कि सीपी हैं, सेरेब्रल पैल्सी का जिनको इशू है और दे कांट मूव देयर लिम्स, और एक तरह के वो हैं जिनको जो है वो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी मूवमेंट करते हैं, और तीसरे उस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि डाउन सिंड्रोम है या कोई और इस तरह का डिसऑर्डर है उनको, जो कि लो आई क्यू या इस तरीके की उनको इस तरीके से वो डिफरेंटली हमसे डिफरेंटली एबल हैं। तो अब मेरी कोशिश ये होगी कि ये तीन टाइप जो मैंने आपको बताई है जो मैंने ऑब्जर्व करी है मरकज़ उम्मीद में वो मैं आपको एक एक करके बता सकूं कि उनके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम सजेस्ट कर सकते हैं पेरेंट्स को। तो नंबर वन जो कि हमारे पास सीपी चाइल्ड हैं उनको बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि उनके एक एक लिम की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें मरकज़ उम्मीद से मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है तो मैं जानती हूँ कि वहाँ का जो स्टाफ है और जो टीचर्स हैं उनका पूरा अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो वो एक्सरसाइजेस भी कराते हैं सारी चीज़ें भी कराते हैं, मगर क्योंकि अभी स्कूल बंद है तो उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल आप समझें ख़त्म हो चुकी है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनको आप उनका एक एक लिम की मूवमेंट जिस तरीके से हम बताते हैं कि उनकी हाथ की, टांग की, उंगलियों की, हर चीज़ की उनकी मूवमेंट करवाएँ जिस तरीके से हमने मेडिकल कैंप में भी सिखाते हैं और स्कूल में भी कराई जाती है और डेली बेसिस पर कराएँ जैसे कि स्कूल में होती है। और जो भी उनमें से इस काबिल बच्चे हैं जो किसी सहारे के थ्रू या जो है बग़ैर सहारे के चलते हैं उनको ज़रूर चलाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक्टिविटी नहीं होती या बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो घर में लेटे रहते हैं या उनकी एक्टिविटी वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमैनेज हो जाती है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो उसको रूटीन को एक्टिविटी को मेनटेन रखें, और ख़ुद भी अगर आप वो खुद मूव नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ पेरेंट्स जो हैं वो उसको लिम को ज़रूर मूव करें, हाथों को पैरों को। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो टीचर्स पहले ही मरकज़ उम्मीद में किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो उनके ऊपर पहले ही काम हो चुका है वो ख़राब नहीं होगा, एटलीस्ट आप उसको मेंटेन कर लेंगे जो मोबिलिटी या जो भी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं ऑलरेडी, और मज़ीद ख़राबी से बचा जा सकता है इस तरह। अब जो सेकंड टाइप है वो होती है हमारे पास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इनको मोबिलिटी इशू तो नहीं होता बट इनको ये हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि उन बच्चों को हम एक्टिविटी में इंगेज करके रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए कि अगर हमने उनको अगर वो के बहुत जल्दी इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत या बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, घर में बोर हो जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए चाहिए होता है, तो बेस्ट तो ये है कि पेरेंट्स अपने साथ ही ऐसे बच्चों को लगा के रखें। फॉर एग्जांपल घर के कामों में कि अगर आप अफ्तारी बना रहे हैं, अगर आप सहरी बना रहे हैं, अगर आप कोई और इस तरह का काम कर रहे हैं तो उनको अपने साथ लगा के रखें, दे शुड बी वेरी बिजी फॉर द होल डे, वरना क्या होता है कि वो बॉदर होने लग जाते हैं और उस इरिटेबिलिटी की वजह से फिर वो जो है खुद भी बहुत तंग होते हैं और फिर जो है वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको हम किसी ना किसी एक्टिविटी में या किसी ना किसी इस तरीके की या पेंटिंग या कोई और इस तरीके की चीज़ के अंदर लगा के रखें। और जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारे इस तरह के बच्चे जो कि जो किसी और वजह से जिनका थोड़ा सा जिनको मेंटल इश्यूज़ है, अदरवाइज़ दे आर फाइन,
तो उनका ये होता है कि उनको उनको भी आप, क्योंकि इन बच्चों के अंदर ओबेसिटी या जैसे मोटापे का बढ़ जाने का खतरा ज़्यादा होता है, तो और वैसे भी क्वारंटीन के अंदर वैसे भी हम लोगों को भी इसका खतरा है, क्योंकि हम लोग भी वी आर जस्ट ईटिंग और हमारी एक्टिविटी भी कम हो चुकी है, तो इन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि हम इनको भी एक्टिविटीज़ में लगा के रखें। आप इनको घर में ही, क्योंकि बाहर निकला नहीं जा सकता आजकल, तो जो है घर में ही हम इनको कोई ऐसी तरह की एक्टिविटी दे दें चलने फिरने वाली, वरना इनको भी आप अपने साथ कामों में लगा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी इस तरह का खेल या कोई इस तरीके की चीज़ हो जिसमें भागना हो या दौड़ना हो, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें घर के अंदर, ताकि उनका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा ठीक रहे या एटलीस्ट उतना ही रहे जितना स्कूल में होता है, ताकि कोई उनके अंदर फंक्शनली डेफिसिट ना हो। ये तो हो गया।